आगे आगे बीजू भाई एक मिनट सर प्लीज प्लीज पूर्व सैनिक भाइयों, जैसा कि आपको सभी को पता है कि 20 फरवरी 2023 से लेकर अभी तक जंतर मंतर पर हमारा पूर्व सैनिक जवानों का 1 साल 10 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि केंद्र सरकार ने हमारी जवानों की मांगों पर गौर नहीं किया, कोई विचार नहीं किया। कहीं पे केंद्र सरकार ने हमें बातचीत के लिए निमंत्रण नहीं दिया, किसी ने बातचीत के लिए नहीं बुलाया, इसलिए हमारा पूर्व सैनिकों का आक्रोश जो है बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए आज का प्रोग्राम हमने बनाया था, हमने पहले लिखित में दिया था कि 300 से 350 आदमी जहां पे आएंगे जंतर मंतर पे और प्रदर्शन करेंगे, चाहे धारा 144 लगी हुई है, हम गिरफ्तारी से नहीं डरते, हम जेल से नहीं डरते, लेकिन हमारा ये भी है कि हमारा पुलिस प्रशासन से कोई झगड़ा नहीं है, कोई हम नहीं चाहते उनसे टकराव की स्थिति, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी मांगे हैं तो हमें ये मजबूरीवश करना पड़ रहा है, नहीं तो हम भी इसको करके खुश नहीं है। तो इसलिए आज का भी एक जो है केंद्र सरकार तक हमारा संदेश था, ये एक केंद्र सरकार को आज का भी हमने नमूना दिया है। पहले जैसा कि आपको पता है शंभू रेलवे स्टेशन पर हमने जो है 14 घंटे के लिए रेल रोको किया था, लेकिन केंद्र सरकार की फिर भी आंख नहीं खुली, उसके बाद हमें ये करना पड़ रहा है। लेकिन इस बार भी हमें J&K और हिमाचल, यूपी और साउथर्न साइड, हमें उनका जो है मना करना पड़ा। MP से आ रहे थे क्योंकि बहुत दिन का सफ़र है, तो इसलिए उनकी टिकटें रिजर्वेशन होने के बाद भी हमने उनको मना किया कि आप रहने दो, हम इतनी स्ट्रेंथ में नहीं करेंगे, कम स्ट्रेंथ में करेंगे। लेकिन अगर केंद्र सरकार अभी भी जवानों की मांग बहुत मामूली सी है, हमने एक ही मांग रखी है माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की कमेटी बिठा दे। अभी किसान बैठे हुए हैं वहाँ पे पंजाब में शंभू रेलवे स्टेशन शंभू बॉर्डर के ऊपर, केंद्र सरकार उनको बोल रही है हम कमेटी बिठा देते हैं, और हम लोग कमेटी मांग रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार कमेटी बिठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार को भी पता है कि पूर्व सैनिक जवानों के साथ, मैं जहाँ पे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ जवानों के साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, तो जो हमारी मांगे हैं वो बिल्कुल जायज हैं। तो केंद्र सरकार को भी इस चीज का पता है कि अगर कोई भी कमेटी बैठती है तो उनको जवानों के हक में कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, इसीलिए केंद्र सरकार भाग रही है। उनको भी पता है 1947 से लेकर अब तक जवानों के साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, हमेशा इनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया है। तो अभी 1 साल 10 दिन हो गए हमारे यहाँ पे जंतर मंतर धरना प्रदर्शन को, इसके बाद अभी हम यहाँ से अपनी गिरफ्तारी देंगे, और जो बसें लगी हुई हैं पुलिस द्वारा हम उसमें बैठ जाएंगे। हमने केंद्र सरकार को मैसेज देना था, वो हमने दे दिया, उसके बाद अभी हमारा जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। पहले भी हम पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग के साथ वो 1 साल 10 दिन से चल रहा था, अभी भी हम उसको बिल्कुल शांतिपूर्वक जो है वो प्रदर्शन करते रहेंगे, जब तक केंद्र सरकार
हमारी मांग जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की है, जो कमेटी की मांग है वो मान नहीं लेती, तब तक हम जो है अपना शांतिपूर्वक जो है जंतर मंतर का धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो इसलिए भाइयों सभी से निवेदन है कि अभी आप बसों में बैठ जाइए, हम गिरफ्तारी दे रहे हैं और जो जंतर मंतर का धरना है वो हमारा लगातार जारी रहेगा। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। एक मिनट समय पा रहे जो एक मिनट के गाजर के साथियों, मैं जेडुलो नलिन तलवार, पूर्व सैनिक, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नेशनल स्पोक्स पर्सन, आप लोगों को कुछ और भी बताना चाहता हूं जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब नहीं बता पाए। इस सरकार ने हमारे धरने को तोड़ने के लिए हमारे बीच में अपने साथी भेजे जो कि पूर्व सैनिक थे, और हमने पहले कहा था कि कोई राजनीति नहीं होगी हमारे धरने में, हमने उनको अध्यक्ष बनाया अपना, और सरकार ने जो है बैक डोर से उसके साथ बात की जिसका कि पता ना मुझे ना किसी और मेंबर को पता चला। ये चीज जो है राइटिंग के अंदर सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ उसने व्हाट्सएप ग्रुप में डाली है कि हमारी 3 से 4 बार सरकार के साथ पिछले दरवाजे से वार्ता हुई, इसका मतलब ये सरकार हमारे धरने को तोड़वाना चाहती थी, इसीलिए उनको फिर बाद में हमने पूर्ण बहुमत के साथ फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन से बाहर का रास्ता दिखाया। ये चीज आप सबको मालूम होनी चाहिए, सरकार हमें तोड़ना चाहती थी। सैनिक भाइयों, मोदी सरकार आपने किसान और जवान तो हमने सामने देख लिए होंगे, अब की बार मोदी सरकार ने जवान को और जवान के सामने खड़ा कर दिया, ये भी इतिहास किसने रचा है? मोदी सरकार ने, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि आज ये हमारे भाई हैं, इनकी अपनी ड्यूटी अपनी करेंगे ये, पर अगर कुछ भी बात होती है तो एक मोल जो खराब किया है कि देश के अंदर मोदी सरकार ने, आप देख रहे होंगे कि इसी धरने को तोड़ने के लिए 4 दौरे की बात पिछले दरवाजे से करी सरकार ने, जहां इसका बहुमत नहीं है वहां से एमएलए को उठा लेती है, सांसदों को उठा लेती है क्योंकि वोट तो इसको चाहिए ही नहीं, दूसरी पार्टी को तोड़ के अपने में मिला लेती है। तो ये पहली बार हो रहा है 75 सालों में कि संवैधानिक रास्ते पे चलते हुए शांतिपूर्वक जो आंदोलन चल रहा है उससे एक बार भी बात नहीं की। ये बहुत छोटी सी